तो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, स्पेशल रेसिपी। और इसके लिए कोई खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली घर पे अवेलेबल हो जाएंगे। रेसिपी है हमारी हरा नमक, जो समझ में आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल और इजीली डाइजेशन होने वाला, और आपके सैलड्स में, फ्रूट्स में भी आपको बहुत अच्छे से स्प्रिंकल करके आप यूज़ कर सकते हैं। कर्ड में, लस्सी के लिए भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आपको घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। कोरिएंडर फ्रेश होना चाहिए, धनिया बिल्कुल फ्रेश धनिया मैंने लिया है, ग्रीन चिलीज ली हैं, ये मैंने लिया है गार्लिक और यह है नमक। नमक आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास टाटा सॉल्ट था तो इसलिए वो मैंने यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप करते जाइए, इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे मैं कोरिएंडर डाल रही हूँ, इसमें आप आधा इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने ली है, इससे हाफ क्वांटिटी आप पुदीना भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। इसमें इस ग्रीन सॉल्ट को या हरे नमक को या लहसुन वाले नमक को बनाने में हमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है। आप बस अपना एक ये ग्राइंडर लीजिए, मिक्सी का ग्राइंडर जो आपका होता है, इसको लेने के बाद आप इसमें डाल दीजिए अपनी ये जो भी क्वांटिटी है, आप इसमें कोरिएंडर डाल दीजिए, फ्रेश वॉश किया हुआ कोरिएंडर आप इसमें डाल दीजिए। ये डालने के जो भी सारा आपका आप डाल दीजिए इजीली, और ऐसे ही आप इसमें ये ग्रीन चिली डाल दीजिए, इसको आप कट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप इसमें जो गार्लिक के ये गार्लिक की जो हमारे पास कलियां हैं, ये आप 7 से 8 जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये डाल। बाकी अब इसमें हमें डालना है सॉल्ट। सॉल्ट मैं बताती हूँ आपको, सॉल्ट आप जितनी क्वांटिटी में आपको सॉल्ट बनाना है उतना आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने मेजरमेंट के लिए एक बाउल ले लिया है, तो बाउल में आप डाल के बाउल से मेजर कर सकते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कम ज़्यादा की कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक इसके लिए मैंने इतना सॉल्ट डाल दिया है, अगर हमें ये हमने डाल दिया, इसमें हम और सॉल्ट डाल सकते हैं। कि समर में ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों के घरों में यूज़ होता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको अगर आप बनाने के बाद आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्ट इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने ग्राइंड कर लिया है। वेलकम बैक टू माय चैनल, अगेन एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ब्लॉग जिसका नाम है स्टाइल कॉर्नर बाय शोभा। तो फ्रेंड्स, आज हमने शेयर की है हरा नमक या लहसुन वाले नमक की रेसिपी आपके साथ। तो ये देखिए, ये पूरा ग्रीन हो गया, तो कलर देखिए कितना फैंटास्टिक इसका कलर आया है, और फ्रेश इतना इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है अभी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे तभी आप इसको रियलाइज़ करेंगे कितना फ्रेश नमक बना है ये। तो फ्रेंड, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अभी तो मैं इसे बाउल में निकाल के आपको दिखा रही हूँ, पर ये आप अपना स्टोर करके और एयर टाइट किसी भी बॉक्स में आप रख सकते हैं, फ्रिज में कहीं पे भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ नाइस डे। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मेरा है शोभा अधिकारी 5। तो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।